वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट ज्ञान। और आज का वीडियो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है जुलाई में, जुलाई 2018 को 8 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के लिए है। तो उसका ये मैं नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आई हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट आपको कब फॉर्म भरना है, ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, ऑल अबाउट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये है आपकी cbseinet.nic.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो यूजीसी नेट बुलेटिन है जो कि जुलाई 2018 में अभी कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर जाके आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्होंने दिया है हमें जो एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट यूजीसी नेट को लेके, वो हम यहाँ पर देख लेते, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो चलिए देख लेते। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो ये है कि ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अनाउंस होल्डिंग ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट ऑन 8 जुलाई 2018 फॉर डिटर्मिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और ओनली और जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस CBSE विल कंडक्ट नेट इन 84 सब्जेक्ट एट 91 सेलेक्टेड नेट एग्जामिनेशन सिटीज सेपरेट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर उन्होंने देख कर रखा है, ठीक है, यूजीसी नेट है आपका। और चलिए हम देख लेते हैं इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, कब फॉर्म फिल करना है, ठीक है, सारा हम देख लेते हैं। चलिए तो चलते हैं इसके, ये रहा हमारे पास नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर देखा है, इट इज़ नोटिफाइड दैट CBSE विल कंडक्ट द नेक्स्ट UGC नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन 8 जुलाई 2018 संडे एज पर द रिवाइज स्कीम। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स एज बिलो, तो टू पेपर्स होना है आपका। जो फर्स्ट पेपर होना है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, ऑल आर कंपलसरी, और आपको 1 आवर्स का टाइम होगा 9:30 से 10:30, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 200 मार्क्स का होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑल आर कंपलसरी, और ये होगा आपका 200 आवर्स का, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो होगा सेल कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स। द क्वेश्चंस विच विल बी ऑफ जनरल नेचर इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, इट विल प्राइमरली बी डिजाइंड टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी कॉम्प्रहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। एंड जो आपका सेकेंड पेपर होना है, और जो सेकेंड पेपर उसमें शेल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपल्सरी क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स which will be based on the subject selected by the candidate। मतलब जो आप अपना सेलेक्ट करेंगे, जो आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस के लिए इन्होंने 2 मार्क्स डिसाइड करके रखा है। तो आपको 2 मार्क्स रहेगा 1 क्वेश्चन का, इसलिए ये जो आपका सेकेंड पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 6 मार्च 2018। तो जो एप्लीकेशन आपको स्टार्ट करनी है फिल, वो स्टार्ट होगी आपकी 6 मार्च 2018 से। द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज 5 अप्रैल 2018 एंड फी कैन बी पेड अप टू 6 अप्रैल 2018, ठीक है। तो आपकी जो फीस है वो इन्होंने बोला कि 6 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं, और आपका जो फॉर्म है वो फिल होना है 6 मार्च से, ठीक है। 6 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना, एंड लास्ट डेट है जो है वो आपकी 5 अप्रैल। और जो एग्ज़ामिनेशन उन्होंने बताया है, तो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो है 8 जुलाई 2018, वो भी संडे को, ठीक है। ये तो हो गया इनका नोटिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं हमारा इम्पोर्टेंट जो है सारा नोटिफिकेशन की किस तरह से इन्होंने दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डेट, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिशन होनी है
आपकी 6 मार्च 2018, ठीक है, 6 मार्च 2018 मतलब से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट है आपका 5 अप्रैल 2018। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी थ्रू ऑनलाइन जनरेटेड बैंक चालन एट एनी ब्रांच ऑफ सिंडिकेट कैनरा ICICI बैंक और थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड 6 अप्रैल 2018। करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑफ 25 अप्रैल 2018 टू 5 मई 2018 एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन में आपको लगता है कि कुछ आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए उन्होंने जो डेट दी है वो है आपकी 25 अप्रैल टू 1 मई, मतलब आप 25 अप्रैल से 1 मई तक उसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इनका दिया हुआ है 8 जुलाई 2018, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन होना है वो होना है 8 जुलाई को। ठीक है, ये हो गया इनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स। एंड इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या रूल्स रखे हैं, किस तरह से आपको सारी प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि आपका 8 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, आपको जो फॉर्म फिल करना है वो करना है 6 मार्च से। ठीक है, और टोटल जो इन्होंने सब्जेक्ट रखे हैं वो 84 सब्जेक्ट हैं, लिस्टेड अंडर आइटम नंबर 14 ऑन पेजेस 12 to 14 एंड 91 सेलेक्टेड सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 84 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 91 सिटीज़ इन्होंने दी हैं। ठीक है, और JRF एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ QR एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ द पेपर ऑफ नेट इन एग्री ग्रेड। ठीक है, ये इन्होंने देख रखा है अपना। इसके अलावा इन्होंने देख रखा है कि द रिजल्ट ऑफ द UGC नेट टू बी हेल्ड ऑन 8 जुलाई 2018 विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, मतलब जो आपका 8 जुलाई को जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट इसकी वेबसाइट cbse.nic.in पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दिया है शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी कि PWD, अदर बैकबोर्ड क्लासेस OVC, नॉन क्रिमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकबोर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकबोर्ड क्लासेस NCBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट www.ncbc.nic कैन बिल बी गिवन सच स्पेशल कंसेशंस एज मे बी डिसाइडेड बाय द UGC। ठीक है, अब यहाँ पर जूनियर जो रिसर्च फेलोशिप है उसके बारे में उन्होंने देख रखा है कि जो आपका कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ अंडर UGC वेरियस स्कीम सब्जेक्ट टू देयर फाइंडिंग प्लेसमेंट इन यूनिवर्सिटीज मतलब ITs इंस्टीट्यूशंस। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर इज 3 years। ठीक है, डेट ऑफ इश्यूज ऑफ JRF अवार्ड लेटर। हाउएवर इन केस द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन MPhil PhD, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फेलोशिप शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट और डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग विच एवर इज लेटर। ओके, और उसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी जो दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है कि कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड, मतलब उसने सिक्योर किया हो मतलब एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। ठीक है, मतलब आपका जो होगा आपका जो मास्टर डिग्री वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो OBC है SC ST इन सब के लिए इन्होंने 50% मार्क रखा है। ठीक है, और मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट कोर्सेज और कैंडिडेट हु हैव अपीयर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल एग्जामिनेशन एंड हु इज स्टिल वेटेड फॉर कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। ठीक है, अगर जिनका रिजल्ट आने वाला है वो भी या मतलब जो लास्ट ईयर के हैं वो भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको दे के रखा हुआ है। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू थर्ड जेंडर इन अदर वर्ड्स ठीक है ट्रांसजेंडर वुड बी एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशंस इन फी एज एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर नेट। द PhD डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19th September 1991 शैल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, इनको 5% का इन्होंने रिलैक्सेशन दे के रखा है। ये हो गया आपका। एंड एज लिमिट जो देख लेते वो ये है जूनियर रिसर्च फॉलोशिप यानी कि आपका जो JRF है उसके लिए आपका नॉट मोर देन 30 years एज ऑन 1/7/2018। रिलैक्सेशन अप टू 5 years इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंग टू OBC
एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर्स कैटेगरीज एंड द विमन एप्लीकेंट, ठीक है, तो विमेंस के लिए और आपका ओबीसी एसटी एससी इन सब के लिए इन्होंने 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे के रखा, मतलब 35 ईयर्स वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड इसके बाद इनका जो देख लेते हैं, रिलैक्सेशन विल ऑल्सो प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिट टू द पीरियड स्पेंड ऑन रिसर्च इन द रिलेवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। 3 ईयर्स रिलैक्सेशन एज विल बी परमिसिबल टू द कैंडिडेट्स, ठीक है, मतलब एज लिमिट हमने देख ली कि आपको एज लिमिट यहाँ पर कितना दे रहा है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो देर इज नो अपर एज लिमिट फॉर क्वालिफाइंग फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनका कहना है कि आपके पास नेट सेट या स्लेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। इन दिस रिगार्ड एक्सेम्पशन फ्रॉम नेट सेट एंड स्लेट विल बी governed by UGC regulation and amendments notified in the Gazette of India from time to time, ठीक है। और सेट कैंडिडेट्स की इनका जो देख लेते हैं नियम क्या है इनका, तो जो सेट कैंडिडेट हैं तो डकने हु हैव क्लियर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, बाय यूजीसी फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्ड प्रीयर टू 1 June 2002 आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन नेट, ओके। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस हम देख लेते हैं, तो जो एग्जामिनेशन आपका फीस है जनरली 1000 रुपीज़ है एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी एंड उनके लिए 500 रुपीज़ है एंड एसटीएससी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 250, मतलब 250 रुपीज़, ओके, ये आपका हो गया। और आप सिंडिकेट कैनरा आईसीआई बैंक इनके द्वारा फीस फिल कर सकते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, इसके अलावा हमें ये देखना है कि जो पेपर्स हैं, तो पेपर का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का एंड सेकंड जो आपका पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा एंड 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। एंड प्रोसीजर हो गया आपको, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स ऑफ नेट, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। इसके अलावा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, तो आपको लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो और आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ इन्होंने निकाला है, ठीक है, बहुत कुछ जो आप अच्छे से देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद एडमिशन कार्ड फॉर नेट, तो इट मे बी नोटेड द एडमिशन कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट cbse.net.nic.in की वेबसाइट पर आपको 3rd week of June में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो वही आपको करना है, cbse.net.nic.in पर अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, सिग्नेचर, ठीक है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने रखी है वो आपको देना हुआ। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन है इनका, किस तरह से आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी कि कब एग्ज़ाम आपका होना है, कब फॉर्म फिल करना है आपको, ठीक है, लास्ट डेट, ठीक है, एंड सब्जेक्ट किस तरह से कितने सब्जेक्ट के आएंगे। अब हम ये देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए द लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कोर्स इज एंड बिलो, ठीक है। तो नेट के लिए सब्जेक्ट अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट दिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, फिजियोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट इन्होंने दिए, टोटल 27 सब्जेक्ट हैं एंड 27 नहीं, ये टोटल आपको 91 सब्जेक्ट आपको दिए हुए, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, ऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए इन्होंने निकाला हुआ है 100 सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। मतलब योगा भी अब जुड़ चुका है आपके नेट के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो
द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज और मैथमेटिक्स स्टडीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपेयर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है, और सिटीज़ जो है वो सिटीज़ इन्होंने सारी दी, आंध्र प्रदेश जो भी हैं आपका, जो आपकी बड़ी बड़ी जो आपका जैसे स्टेट है, स्टेट के अंदर जो आपकी बड़ी सिटीज़ हैं उन सिटीज़ को रखा गया है। लगभग 3 या 4 सिटीज़ में होगा, ना कि केवल एक कैपिटल में। ठीक है, तो सारी सिटीज़ आपको दी हुई हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा। तो टोटल जो सिटी हैं वो है 91 सिटी इन्होंने अलाउड की हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको शेड्यूल दे दिया है इन्होंने कि आपको कितने बजे एंटर करना होगा। ठीक है, फिर आपको बुकलेट, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट नहीं होना है आपका, यहाँ पर OMR सीट पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए, और इंस्ट्रक्शन है सारे आप देख सकते हैं, रोल नंबर, फादर्स नेम, जो भी है आपका। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको किस तरह से फिल करना है, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपको इस तरह से अपना फॉर्म फिल करना होगा, मतलब आपको एग्ज़ाम के जो आंसर हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क भी कर सकते हैं, वार्निंग इन्होंने दे के रखी है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स की लिस्ट इन्होंने दे के रखी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, लास्ट जो आपके 100 सब्जेक्ट हैं वो सारा इन्होंने रखा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं कि 35 हैं। ओके, सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट UGC NET जो कि आपका 8 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।